अरे ओ सब लोग मेरी बात सुनो, पाकिस्तानियों, श्रीलंकनियों, न्यूजीलैंड वालों, फिर कैसा लग रहा है हमारे मुल्क में आकर मैच खेलने का मजा? आज आपका वो मिन मैच था, फिर किस किसने जीता, किसने हारा, जरा बताओ तो सही हमको। अरे ऊँ चुप करके मेरा क्यों दिमाग खराब कर रखा है? जेवर मैच से कोई जीते जा हारे इसे कोई नहीं फर्क पड़ता। भूतनी वाले में तो इस मैच में चल नहीं सका, 10 गेंदों पर 1 रन बनाया भूतनी वालों। एक तो बास ने इतना जलील किया कि रन बनाना मुश्किल हो गए। अरे भैया मामूल और फैनक वाले बाबे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है भूतनी वाले? इस कोहली भाई ने तो मैच का ही पूछा है कौन जीता है कौन हारा है। हम तो बांग्लादेश वालों से हार के आप जीते हो जा हारे हो न्यूजीलैंड वालों से। अरे गंजू तू भी बता जीता है या हारा है? अरे सनाका के बच्चे इमामुल हक और फैनक वाला बाबा गुस्सा ना करे तो और क्या है, हमारा तो मैच ही नहीं हुआ बास की वजह से। अरे भूतनी वालों, इंडिया के खिलाड़ी ससुर के नाती मैच तो वहाँ रखते जहाँ बारिश ना होती है। पहले हम बहुत काले हैं, ऊपर से बारिश ने हमारा काला मुंह कर दिया है। अरे साउथ अफ्रीका के कप्तान, आपका तो मैच नहीं हुआ बारिश की वजह से हमारा हाल पूछो। इस बंगालियों ने हमारा क्या हाल कर दिया, कूट कूट कर हमारी लाल कर दी और हमारी सूजी सूजी कर दी, इतनी सूजी गई है अब हम चल भी नहीं सकते। पता नहीं क्या खा कर आए थे बंगाली जो इतना पीटा है आज बंगालियों ने हमें। अरे ओए देख लो इस कायन के बच्चे का दिमाग घूम गया, भूतनी किन वालों को हमने इतना पहला है कि ये भूल गया कि पाकिस्तानियों ने पहला जी तो बंगालियों को बोले बंगालियों ने पहल दिया। अरे ओए कायन सिमन के बच्चे जा अपने दिमाग का इलाज करा, दिमाग घूम गया है आपका। अरे बाबर भैया, गर्मी ने ऐसा काम छुड़ाया है कि किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक कहता है कि मैं हार गया, जो हारा है वो कहता है मैं जीत गया। पता नहीं चलता गर्मी ने इतना काम बुरा किया।